आप खुद देख सकते हो कितना पसीना है, इसीलिए हमेशा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज रेस्पेक्ट द ट्रक ड्राइवर्स। हम अपनी मेहनत करते हैं, हम किसी का नहीं खाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं दिन रात। एक के साथ साथ हमारी गाड़ी में आज नया मेहमान आया है। उस्ताद मेहमान जरा कैमरा की तरफ देखो, ये जो भाई है यहीं पे रहते हैं। आप कहाँ पे रहते हो उस्ताद? त्रिपुरा उदयपुर में। आप देख सकते हो अपनी गाड़ी में क्या लोड हो रहा है, रबर है, क्योंकि यहाँ पे अगरतला में क्या है, यहाँ पे ज्यादा जो है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसी के साथ साथ हम यहाँ से निकल चुके हैं अम्बासे से, और आगे अपना सफर है अगरतला की तरफ। अपनी गाड़ी यहीं पे खाली हो गई थी, तो अब हमने जो अपनी गाड़ी है वो हमने पक्की की है दिल्ली के लिए। सुबह लोडिंग के लिए जाना है, उसने बोला कि आप रात को ही पहुँचो कांटे पे। तो अब जो अपना सफ़र है यहाँ से 70 किलोमीटर है यहाँ से अगरतला का सफ़र अम्बासा से। और भाई ये देखो कैसा व्यू है अम्बासा का। और भाई अपना जो सफ़र है वो बिल्कुल कंटिन्यूस है अगरतला की तरफ। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं इस जगह का नाम है तिरिमोरा। अब यहां से अपना अगरतला का सफ़र जो है वो खाली रह गया है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर यहां से भाई। तो अब पहुंचेंगे हम जल्द से जल्द अपने लोकेशन पे और करेंगे रात को वहीं पर स्टे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह सुबह हो जाएगी अपनी गाड़ी लोड दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली का माल जो हमने पक्का किया है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो माल निकलता है वो है भाई रबर। और इसी के साथ साथ आज हम आपको दिखाएंगे डिफरेंस बिटवीन 16 चक्की गाड़ी जो है, एक है त्रिपुरा नंबर, दूसरा है जम्मू कश्मीर नंबर अपने स्टेट की गाड़ी। तो आप खुद बता देना आज कमेंट बॉक्स में कौन सी गाड़ी में अच्छी फिटिंग है, अच्छी बॉडी है, अच्छा पेंट है, अच्छा लुक है। तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, आप खुद बता देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप त्रिपुरा नंबर गाड़ी देखो, ये आप पीछे से डाला वगैरह भी चेक कर सकती हो, बॉडी वगैरह भी आप चेक करो। हालांकि गाड़ी जो है ये दोनों जो गाड़ी है 16 चक्की गाड़ी है दोनों, लेकिन फ़र्क होती है बॉडी में, फ़र्क होती है पेंट में, फ़र्क होती है शो में, फ़र्क होती है। और इस गाड़ी का जो त्रिपुरा नंबर गाड़ी है इसका शो जो है वाइट कलर है। और इसी के साथ साथ ये दूसरे साइड में अपनी स्टेट की गाड़ी है सांबा की गाड़ी, ब्लैक कलर गाड़ी। तो आप खुद बता देना आज कौन सी गाड़ी जो है ब्यूटीफुल लग रही है और कौन सी गाड़ी में अच्छा काम किया हुआ है। दोनों गाड़ी सेम है, 16 चक्की वो भी, 16 चक्की ये भी, लेकिन फ़र्क होता है बॉडी में, फ़र्क होता है वहाँ की बॉडी और यहाँ की बॉडी थोड़ी डिफरेंट होती है। पीछे भी आप इसका भी लुक देखो कितना ब्यूटीफुल लुक है, और पीछे लिखा है सरदार जी गाड़ी के पीछे। उदयपुर में मतलब उस्ताद इसी स्टेट में रहता है त्रिपुरा में, ये इंडिया की लास्ट स्टेट है, है ना उस्ताद? इंडिया की, इसके साथ अब बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच होता है, और किसी मुल्क के साथ टच होता है बांग्लादेश के साथ? बांग्लादेश है और दूसरा कोई नहीं है, बांग्लादेश से टच होता है। हाँ। मतलब ये आखिरी स्टेट है इंडिया की। आखिरी। और यहाँ पे उस्ताद सबसे ज्यादा क्या निकलता है फसल वसल की अगर बात करेंगे? फसल की बात करें तो चावल और इतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा नारियल वारियल, नारियल और रबड़ हमने सुना है कि सबसे ज्यादा रबड़ निकलता है यहाँ पे, मतलब जिसको टायर वगैरह बनता है वो यहीं से निकलता है। जरा भाई इधर देखे, हमारा बोला कि आप हमारे पास ही खाना खाओ, क्योंकि भाई भी भूखा था सुबह से और हमने उसको अपने पास ही बुलाया खाना खाने के लिए। तो खाते हैं जल्द से जल्द खाना और पीछे करते हैं अपनी गाड़ी खाली, उसके बाद देखेंगे क्या मुकदर में होगा, क्या किस्मत में लिखा होगा ऊपर वाले ने, अच्छा ही लिखा होगा, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद देखेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से जल्द और हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोच रहे हैं कि अपनी गाड़ी का वॉश वगैरह कहीं पर करवाएँगे, उसके बाद भरेंगे वापसी का माल भरेंगे गुवाहाटी का, देखेंगे कहाँ का मिलेगा तो वहीं का भरेंगे। मुबशर
सो भाई ये आप देख सकते हो, ये रही अपनी गाड़ी। रात को हम यहाँ पार्किंग में पहुँच चुके थे। यहाँ पे कांटा वगैरह भी है, बालाजी कांटा, और पार्किंग वगैरह भी यहाँ पे है, ये आप देख सकते हो। और इसी के साथ साथ अपने जो पास में आज अपना हमसाया है वो है TN नंबर की गाड़ी, तमिलनाडु नंबर की गाड़ी। और इसी के साथ साथ अपनी गाड़ी जो है वो बिल्कुल पक्की हो चुकी है दिल्ली के लिए। तो अभी जो है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह की वेरिफिकेशन हो रही है यहाँ पे, और उसके बाद अब हम यहाँ पे कांटा वगैरह करेंगे और जाएंगे अपने लोडिंग पॉइंट पे जल्द से जल्द, और भरेंगे। आज हम अपनी गाड़ी में लोड भरना है, वो भरना है रबड़। ये आप देख सकते हो पार्किंग यहाँ पे कितनी बढ़िया है, बहुत ही अच्छी पार्किंग है यहाँ पे। पूरा साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया है, ये आप देख सकते हो, कोई धूल आपको नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, हर कोई फैसिलिटी है यहाँ पे। ये पार्किंग लेते हैं यहाँ पे 150 रुपया, मतलब दिन का 24 घंटे का 150 रुपया, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से सस्ता है, क्योंकि बाहर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, चोरी भी हो सकता है, लूट भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अंदर पार्किंग में कोई टेंशन नहीं है, खाली 150 का टेंशन रहता है, 150 रुपये देना है, बाकी किसी बात का टेंशन नहीं होता है यहाँ। मतलब आउटसाइड कश्मीर सभी गाड़ियाँ जो है पार्किंग में ही सिटे करती है रात को। तो लेट अस चलते हैं हम आगे अपने मंजिल की तरफ, और करेंगे अपनी गाड़ी भी स्टार्ट और चलेंगे सीधे अपने लोडिंग पॉइंट पे। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर। चलो भाई, हाँ लोकेशन उसने डाला, कांटा करना है अब यहाँ से, और उसके बाद जाएंगे सीधा हम अपने लोडिंग पॉइंट पे। और भाई ये आप देख सकते हो, हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे अपनी गाड़ी भरनी है। और इस फैक्ट्री का नाम क्या है ये आप देख सकते हो, लक्ष्या पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ है इसका नाम, LPI इन शॉर्ट में। तो अभी हमने जस्ट ना अपनी गाड़ी अंदर की है, तो अब अंदर कांटा वगैरह होने के बाद अपनी गाड़ी की करेंगे लोडिंग स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो, इस टाइम लोडिंग हो रही है। तो उसके बाद क्या है, अपनी गाड़ी का नंबर आ रहा है, नंबर आएगा, ये देखो भाई। सो करते हैं वेट, कब तक फर्स्ट वाली गाड़ी कंप्लीट होगी, उसके बाद जो है अपनी गाड़ी लगेगी लोडिंग के लिए भाई, ये देख सकते हो आप। और भाई इसी के साथ साथ हम बिल्कुल एंटर हो गए फैक्ट्री के अंदर, और ये देखो अपनी गाड़ी की लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये आप देख सकते हो अपनी गाड़ी में क्या लोड हो रहा है, रबर है, क्योंकि यहाँ पे अगरतला में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा जो है रबड़ ही निकलता है, ये आप देख सकते हो भाई। मतलब इसी रबड़ को टायर वगैरह सब कुछ जो भी मतलब रबड़ का सामान है वो इसी से निकलता है। और ये देख सकते हो सील वगैरह ऊपर, फैक्ट्री की लक्ष्मी पॉलीमर इंडस्ट्रीज है इसका नाम, देखो भाई। ये अभी कच्चा रबड़ है, इसको फिर और प्रोसेसिंग हो जाएगी फैक्ट्री में, और उसके बाद इसके डिफरेंट जो है थिंग्स बनते हैं, चीज़ बनते हैं, ये देखो भाई, ये देखो कैसा है रबड़। आज हमने फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में रबड़ लोड किया है, ये देखो एक पीस जो है 25 kg का है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं आपको और भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और दादा क्या हाल है, दादा ठीक हो? सो करते हैं अपनी गाड़ी यहाँ से जल्द लोड और निकलेंगे फिर यहाँ से, देखेंगे कितने बजे का आपका पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, तो उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। देखो भाई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लोड करने को, खाली इसमें लगता है 1 से 2 घंटे लगते हैं इसको लोड करने में, और ये बिल्कुल एकदम ओके माल है,
जो हमने वहाँ से कलकत्ता से माल भरा था पाइप, वो बहुत डेंजरस माल था, और ये जो माल है ये बिल्कुल अंडर लोड, कोई हाइट नहीं कुछ नहीं, गाड़ी में आराम से आ जाता है। गाइस इसी के साथ साथ अपने गाड़ी की लोडिंग हो गई है कंप्लीट, और सबसे जो अपना मुश्किल काम है रसद रुपया डालना, फिलहाल हमने ज्यादा वगैरह बांधा है क्योंकि आप कांटा करने के बाद करेंगे हम रसद रुपया और निकलेंगे यहाँ से जल्द ये आपको हम दिखाएंगे। भाई क्या कुछ हुआ है अपनी गाड़ी में लोड, ये देखो रबड़ बिल्कुल अपनी गाड़ी में लोड हो गया है और जाल वगैरह भी डाल गया है। अब खाली हमें कांटा करके त्रिपाल उपाल डालना है और अपना पेपर वगैरह जो है वो सभी पकड़ना है, और इसी के साथ साथ निकलेंगे फिर हम यहाँ से जल्द और चलेंगे अपने मंजिल की तरफ। और फाइनली अपनी दिल्ली के लिए फ्लाइट रेडी हो चुकी है। ओ भाई ये देखो मुबशिर भाई भी वहाँ पे बैठा हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हम थक चुके हैं भाई, ये आप खुद देख सकते हो कितना पसीना है। इसीलिए हमेशा हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ रेस्पेक्ट द ट्रक ड्राइवर्स, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम किसी का नहीं खाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं और कंटिन्यू हम चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। और हमेशा सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि ट्रक ड्राइवर्स को सल्यूट करो, रेस्पेक्ट करो। अब इसी के साथ साथ करेंगे अपनी गाड़ी की कंप्लीट, यहाँ पे सारा सब कुछ ओके करेंगे। फिलहाल हमने जाला वगैरह भी डाला है, अब त्रिपाल वगैरह भी डालना है और चलेंगे फिर आगे हम अपने मंजिल की तरफ। और भाई इसी के साथ साथ अपनी गाड़ी की लोडिंग हो चुकी है कंप्लीट और रसद त्रिपाल वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमने रसद त्रिपाल जो है वो ऐसे ही डाला है क्योंकि आगे जो चौराही बारी का बॉर्डर है वहाँ पे गाड़ियों का चेकिंग होता है, रसद त्रिपाल पूरा उठाना पड़ता है। इसकी वजह से अभी हमने जो है रसा दूर दूर ही मारा है, मेरे भाई को बोला क्या फ़ायदा, फिर वहीं पर अच्छी तरीके से अपना रसद त्रिपाल करेंगे। और इसी के साथ साथ अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है दिल्ली के लिए। तो ये देखो भाई अब हम यहाँ पे कांटा वगैरह करेंगे और पेपर वगैरह पकड़ेंगे और निकलेंगे यहाँ से जल्द और देखेंगे कहाँ तक चलेंगे और कितने बजे अपने पेपर वगैरह आएंगे, तो उसी के हिसाब से फिर निकलेंगे यहाँ से भाई। और इसी के साथ साथ करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट में। आई होप आपको हमारे वीडियो व्लॉग पसंद आया होगा, किसी भी रीज़न से पसंद आए तो वीडियो व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी लव यू ऑल फैमिली, अपना ख्याल रखना, मिलेंगे नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल फैमिली।